तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं गिल की हालत काफी ही ज्यादा बुरी होती है। साथ ही हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो छोटा होता है तो ट्रेनिंग करते हुए वो अचानक से ही ब्लड की उल्टियाँ करते हुए जमीन पर बेहोश हो गया होता है, जिसको कि देख उसका फादर काफी ही ज्यादा घबरा गया होता है। आगे जब उसे डॉक्टर चेक करता है तो उसे बताता है इसकी बॉडी लूनार टाइप बॉडी है, जो की एक यूनिक टाइप बॉडी होती है। इसमें क्यों का फ्लो उल्टा होता है दूसरे लोगों के मुकाबले में। तो सुन, गिल का फादर चिल्लाते हुए कहता है बातों को घुमाना बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। तो वह डॉक्टर थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है कि बॉडी टाइप दूसरे मार्शल आर्ट स्किल के लिए तो ठीक है, लेकिन यह फैमिली के मार्शल आर्ट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वह कोई बेसिक फंडामेंटल स्किल को सीख ले जो कि क्यूआई पर बेस हो, तो यह बेहतर होगा कि वह उसका यूज रियल कॉम्बैट में ना करे। जो सुन, गिल का फादर काफी ही ज्यादा डिसपॉइंट होता है और आगे डॉक्टर से पूछता है अगर वह उसका इस्तेमाल करता है तो क्या होगा। तो वह डॉक्टर उसे बताते हुए कहता है अगर वह फैमिली का सबसे पावरफुल स्किल को सीखता है तो वह अपने ट्रेनिंग के हिसाब से कई बार इसका उपयोग कर सकता है, पर समय के साथ उसका क्यूआई सर्कुलेशन धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और अंत में एक ऐसा समय आएगा जब उसका रिवर्स क्यूआई उसको काफी ही बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जिस पर उसका फादर कहता है तो उसे खतरा अपने बॉडी से नहीं है बल्कि अपने ओपोनेंट से है। डॉक्टर बताता है अगर उसे कमजोर ओपोनेंट का सामना करना पड़ा तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं होगी, पर अगर वह किसी ऐसे पर्सन से टकराता है जो कि उसे ओवर पावर कर सका तो सबसे खराब सिचुएशन में उसकी एनर्जी सर्कुलेशन डेडली ट्विस्टेड हो जाएगी और वह अपने मौत के अंत तक पहुंच जाएगा। वही प्रेजेंट में यंग उस पर अटैक करने के बाद कह रहा होता है मैंने तुम्हारे एनर्जी सर्कुलेशन को रिवर्स कर दिया है, अगर तुम खुद को पुश नहीं करते हो तो तुम एक डिसेंट लाइफ जी सकते हो, इसके लिए तुम सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहले ही कई बार चेतावनी दे चुका था। इतना बोलकर वह वहां से जा ही रहा होता है तभी हम देखते हैं गिल की बॉडी में कुछ होने लगता है। इसी के साथ फ्लैशबैक में डॉक्टर बता रहा होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। तो उसका फादर कहता है नहीं, मुझे कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे कि तुम उसके शरीर को बदल सको। तो डॉक्टर कहता है जहाँ तक मुझे पता है उसके हिसाब से इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसे पर्सन के बारे में सुना था जिसने कि अपने बॉडी टाइप को बदल पाया था, लेकिन फिर भी इसे एक इलाज नहीं कहा जा सकता, यह भाग्य से भी ऊपर है जिसका कि होना उम्मीद नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्लीज इसे गंभीरता से ना ले। जो सुन, उसका फादर कहता है बताओ मुझे वह क्या है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है उसे एनर्जी सर्कुलेशन ट्विस्टिंग कहते हैं। तो गिल का फादर कहता है क्या तुम इसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो। डॉक्टर कहता है इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था इसे गंभीरता से मत लीजिए। जिस पर कि गिल का फादर कहता है ठीक है मुझे आगे बताओ। जिस पर वह डॉक्टर आगे बताते हुए कहता है सबसे पहले हमें उन सभी एनर्जी पॉइंट को ट्विस्ट करना होगा जिसकी की पोजीशन एबनॉर्मली है, लेकिन हमें कभी भी नौ इम्पोर्टेंट पॉइंट को नहीं छेड़ना है। बाद में हम उसके एनर्जी के सर्कुलेशन को ट्विस्ट करने के लिए सभी 12 रेडियल वेन्स और 8 क्यूआई वेन्स को एक साथ रिवर्स करेंगे। इसी के साथ हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर की सेम चीज अभी गिल के बॉडी के साथ हो रहा होता है। उसकी सभी पॉइंट एक्टिव हो चुके होते हैं उन पॉइंटों के साथ भी जिसे की ना छेड़ने के लिए उस डॉक्टर ने कहा होता है। वह तुरंत ही अपनी आंखों को खोलता हुआ काफी ही जोरदार चीख मारता है, जिसको कि सुन जब यंग अपने पीछे देखता है तो गिल काफी ही ज्यादा बुरी हालत में जॉम्बी की तरह अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता हुआ किसी डेड पर्सन की तरह जाग रहा होता है, क्योंकि उसे भयानक तरीके से दर्द होना शुरू हो गया होता है। वह खुद से ही अपने शरीर को खरोचना शुरू कर दिया होता है, यहाँ तक कि उसकी सारी नसें अब बाहर की ओर पूरी साफ साफ तरीके से देखा जा सकता था। वहीं हम बैकग्राउंड में गिल के फादर की बातों को सुन पाते हैं जो कि डॉक्टर से पूछ रहा होता है क्या वह ब्लड सर्कुलेशन फेज में इंटर करने के बाद सर्वाइव कर पाएगा। जिसके रिप्लाई में डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि वह भाग्यशाली रहा तो 10,000 में से एक चांस होगा कि वह जिंदा बच जाएगा। दूसरी तरफ यंग जब उसकी ओर देख ही रहा होता है तो उसे अपने पैरों के नीचे कुछ कंपन महसूस होता है, जिसके चलते जब वह नीचे देखता है तो जमीन पर दरारें पड़ना शुरू हो गया होता है और एकदम से ही वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया होता है यंग के चारों तरफ। जिससे कि यंग बचते हुए जब अपने सामने देखता है तो वह देखता है काफी ही बड़ी तबाही मची हुई होती है और उस तबाही के बीच में गिल दोबारा खड़ा हो गया था। इसी के साथ हम दोबारा बैकग्राउंड में सुन पाते हैं कोई बोल रहा होता है एब्सोल्यूट बनने के लिए दोधारी तलवार उसने कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया जो की रियल ऑफ एनर्जी मॉडिफिकेशन थी। यंग भी उसे देखता हुआ कहता है यह किस तरह के मर्डर
एडवेंचरस स्पिरिट है। पर इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। और अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए।